इस वीडियो में हम आईपी एड्रेसेस के बारे में बात करने वाले हैं। इस चैनल पे हम बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाते रहते हैं नेटवर्किंग रिलेटेड, जिसमें हमको आईपी एड्रेसेस को कभी ना कभी कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ऐसे में टर्न्स आउट कि बहुत सारे लोगों को अभी तक आईपी एड्रेसेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। इतने तरीके की आईपी एड्रेसेस होती हैं, IPv4, IPv6, स्टैटिक आईपी, डायनेमिक आईपी, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी। इनफैक्ट हमारे ISPs कहां से ये लेते हैं आईपी एड्रेसेस, हमको कैसे देते हैं, इसको मैनेज कौन कर रहा है, रिकॉर्ड कौन रख रहा है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आपको पता लगने वाली है अगर आपने ये वीडियो पूरी लास्ट तक देख ली। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करता हूं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्कैस्टिक्स हिंदी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आईपी एड्रेस होता क्या है। सबसे सिंपल भाषा में एक ऐसा नंबर जो हर कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस को असाइन हो जाएगा, मिल जाएगा, जैसे ही वो किसी भी नेटवर्क के ऊपर लग जाए, भले वो मोबाइल डेटा पे लग जाए, चाहे वाईफाई पे लग जाए, चाहे अपने ऑफिस के नेटवर्क पे लग जाए, चाहे किसी भी इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर लग जाए, लेकिन उसको एक आईपी एड्रेस ज़रूर मिल जाएगी। अब कितने तरीके की आईपी एड्रेस होती है वो आगे अभी आपको पता चलेगा, लेकिन इस नंबर की यहाँ पे नीड क्या है, हर डिवाइस को एक नंबर देने की नीड क्या है। तो सबसे मेन जो इसका पर्पस है किसी भी आईपी एड्रेस का, वो होता है होस्ट आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब बहुत सिंपल भाषा में नाम कह लो कि कौन से कंप्यूटर का क्या नाम है। इतने दुनिया में इतने लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स हर सेकंड एक दूसरे से कुछ ना कुछ डेटा ले दे रहे हैं, बात कर रहे हैं या कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। ऐसे में किस कंप्यूटर को क्या पता कि ये डेटा हम किसको भेजें, वो पॉसिबल सारा कुछ होता है आईपी एड्रेस की वजह से। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, हम जोमैटो स्विगी यूज़ करते हैं, ऐसे में एक छोटी सी हम ट्रांजेक्शन करते हैं या हम खाना ऑर्डर करते हैं, तो ऐसे में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। यहाँ पे पार्टीज का मतलब खाने पीने वाली पार्टी नहीं, कितने कंप्यूटर्स या डिवाइसेज इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि पहला हो गया मैं, अगर मैं खाना ऑर्डर कर रहा हूँ, मैंने अपनी ऐप से क्लिक किया तो पहला पार्टी मैं हो गया। सेकंड हो गया रेस्टोरेंट, जिसके पास नोटिफिकेशन जाएगी कि मुझे ये खाना चाहिए, तो उस एक उसका डिवाइस इन्वॉल्व हो गया। तीसरा हो गया फिर वैले वाला, कि जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कि इस रेस्टोरेंट से लेके इसको यहाँ पे डिलीवरी देनी है। चौथी पार्टी हो गई जोमैटो या स्विगी, जिसको ये पता चला कि एक कस्टमर ने इसके पास ऑर्डर लगाया और एक्स वाई जेड वाला वैले यहाँ से ये पिक करके यहाँ पे देगा। ऐसे में ये कैसे पॉसिबल हो पाया, ये सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेसेस के मदद से ही आप कह लो कि पॉसिबल हो पाया। या फिर इसी तरीके की कोई भी आप सिमिलर ट्रांजेक्शन ले लो, आप ये देखोगे कि जितने भी सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, ये सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेस की मदद से हो रहे हैं। अब यहाँ पे मेन कैटेगरीज देखी जाए तो IPv4 और IPv6, ये दो कैटेगरीज हैं आईपी एड्रेसेस की, और इनको अब समझते हैं इनका क्या मतलब है। तो यहाँ पे दोस्तों IPv4 के बारे में बात करें तो एक 32-bit का नंबर जो कि 3-3 के सेट में डॉट या डेसिमल की नोटेशन में इस तरीके से कुछ यहाँ पे दिखाई देता है। अब यहाँ पे ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो 3-3 नंबर्स हैं ये तीनों फिल्डअप होने चाहिए तभी आपकी आईपी एड्रेस वैलिड होगी। अगर आपकी आईपी एड्रेस कुछ इस तरीके से दिख रही है जिसमें पहले में 3, दूसरे में 2, चौथे में 1, इस तरीके से कुछ दिख रही है, तो भी आपकी आईपी एड्रेस बिल्कुल वैलिड हो सकती है। तो यहाँ पे ये पूरा कॉन्सेप्ट सही चल रहा है, तो ऐसे में क्या ज़रूरत पड़ी दूसरी कैटेगरी की IPv6 आने की। अब यहाँ पे चक्कर क्या है ना कि IPv4 जो एड्रेसेज हैं पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4.3 बिलियन एड्रेसेज ही हैं। दूसरे हाथ पे अगर आप डिवाइसेज को देखो तो डेली के भाव से इतने लाखों करोड़ों डिवाइसेज डेली प्रोड्यूस हो रहे हैं, डेली मार्केट में आ रहे हैं, सबको इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए, तो ऐसे में बाकी के आईपी एड्रेसेज कैसे आएंगे अगर ये सारे बिजी रहेंगे। तो ऐसे में यहाँ पे पड़ी IPv6 एड्रेसेस की, तो यहां पे ये जो नंबर है ये ओनली नंबर्स ना होके अल्फा न्यूमेरिक हो गई और 32 की जगह 128 बिट की कैटेगरी में आ गए, कुछ इस तरीके से दिख सकता है। तो यहां पे एक लाइव डेमो करके देखते हैं। आपके पास अभी फोन होगा, फोन के अंदर कोई ना कोई सिम होगी, एयरटेल, जियो या फिर वी, तो आप सिंपली जाओ मोबाइल डेटा ऑन कर लो, अपने गूगल पे जाओ, लिखो व्हाट्स माय आईपी, तो पहले सर्च रिजल्ट में आपकी पर्सनल आईपी एड्रेस लिख के आ जाएगी। अगर आप एयरटेल के यूजर हो तो आपकी 99% चांस है कि IPv4 आएगी, यानी इस तरीके की कुछ आईपी आएगी। अगर आप एक जियो के कस्टमर हो तो 99% चांस है कि आपकी जो आईपी एड्रेस आएगी वो IPv6 आएगी। रह गई बात वी की सिम मेरे पास नहीं है, अगर आप वी के यूजर हो तो नीचे कमेंट करके बता देना, बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा कि IPv4 चल रहा है या फिर IPv6 चल रहा है वी के अंदर। इसके बाद बात आ जाती है स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी की। आपने अभी अभी अपना आईपी एड्रेस चेक किया, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपना मोबाइल डेटा बंद कर दो, 3 सेकंड के बाद फिर से मोबाइल डेटा ऑन कर लो और फिर से वही कमांड डालो व्हाट्स माय आईपी।
99% चांस है कि आपकी आईपी एड्रेस इस बार चेंज हो गई होगी, भले पूरी रैंडम शफल नहीं हुई हो, लेकिन एक सेक्शन ज़रूर उसका कहीं ना कहीं चेंज हो गया होगा। ये जो आपका आईपी एड्रेस इंस्टेंटली चेंज हो गया, ये नेचर हो गया डायनेमिक आईपी। इसका मतलब ये पहली बात तो चेंज क्यों हुआ, अब क्योंकि हम IPv4 में जैसे हम बात कर रहे थे कि बहुत लिमिटेड एड्रेसेस हैं और डिवाइसेस बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे में हर डिवाइस को एक पर्टिकुलर आईडी दे के फिक्स कर देना कोई भी सेंस नहीं बनती है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने 10 मिनट के लिए इंटरनेट चलाया और उसके बाद बंद कर दिया। अब जैसे ही आपने इंटरनेट बंद किया, आपकी जो आईपी एड्रेस आपको मिली हुई थी वो बिल्कुल फ्री हो गई, ऐसे में वो उसके काम लग गई जिसने अभी अभी नेट चलाया होगा। ऐसे ही जब आप दोबारा चलाओगे तो आपको किसी की छूटी हुई आईपी एड्रेस मिल जाएगी। तो इस ये जो नेचर इस तरीके का वर्किंग है, इस वजह से आपकी आईपी चेंज होती रहती है जब जब आप राउटर को रीस्टार्ट करते हो वाईफाई के केस में, या फिर मोबाइल डेटा को ऑन ऑफ कर देते हो। तो ये चीज़ हो गई डायनामिक। लेकिन अगर स्टैटिक आईपी की बात करें, तो अगर आप अपने ISP से बात करो कि भाई मुझे स्टैटिक आईपी चाहिए जो कि स्पेशल यूजर्स के लिए काम में आती है, क्यों, जैसे कि अगर आपको रिमोट लोकेशन से अपने सर्वर को एक्सेस करना है या इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको स्टैटिक आईपी की नीड पड़ती है, तो ऐसे में आपका जो ISP होता है Jio, Airtel, V या जो भी, वो आपको एक पर्टिकुलर आईपी सेट कर देगा। और आप जिंदगी में जितनी बार भी गूगल पर चेक करोगे व्हाट्स माई आईपी, आपको वही आईपी दिखाई देगी। तो ये होता है स्टैटिक आईपी, और आई होप आपको डायनेमिक और स्टैटिक पूरा क्लियर हो गया हो। अब बात आ जाती है पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी की। तो यहाँ पे क्या सीन है कि जैसे ही आप कोई कभी भी मोबाइल डेटा के ऊपर कनेक्ट होगे, तो जो आपकी आईपी रहेगी वो पब्लिक आईपी रहेगी, लेकिन आप जब भी वाईफाई के ऊपर कनेक्ट होगे तो आपको एक प्राइवेट डोमेन की आईपी मिलती है। इसका मतलब कि आपके राउटर को आपकी कंपनी ने एक मेन पब्लिक आईपी असाइन करी है, लेकिन वाईफाई राउटर ने आपके जितने भी डिवाइसेस रहेंगे वाईफाई के अंदर, उसके अंदर प्राइवेट आईपी दे दी है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और होता है CGNAT, यानी कैरियर ग्रेड का लैन नेटवर्क। जैसे हमने वाईफाई राउटर में हमारे बाकी के डिवाइसेस के अंदर एक एक स्पेशल आईपी मिल जाती है, उसी तरीके से कैरियर जो होते हैं एयरटेल या फिर ये वो जितने भी, वो लोग ये यूज़ करते हैं अपनी आईपी एड्रेसेस को बचाने के लिए, वही IPv4 वाला जो मैंने आपको रीज़न दिया। तो यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग कि बहुत सारे यूज़र्स को एक प्राइवेट डोमेन के अंदर आईपीज अलॉट कर देते हैं। आप चेक करोगे तो आपको पब्लिक दिखेगी, लेकिन वो एक्चुअल में पब्लिक होती नहीं है, वो CGNAT के अंदर होती है। दुनिया में अगर कहीं और से आप उस आईपी एड्रेस को पिंग करके देखोगे तो वो एक्सेस हो ही नहीं पाएगी, क्यों, क्योंकि वो एयरटेल के एक डोमेन के अंदर है या फिर एक नेटवर्क के अंदर है। तो ये सीन है यहाँ पे पूरा का पूरा आईपी एड्रेसेस का। आई होप आपको समझ में आ गया हो। लेकिन यहाँ पे एक बात रह गई, आईपी एड्रेसेस पूरी वर्क कर कैसे रही हैं। तो यहाँ पे एक अथॉरिटी है जिसका नाम है IANA। IANA ICANN का एक छोटा भाई आप समझ लो, जो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है आप समझ सकते हो जो पूरी दुनिया की आईपी एड्रेसेस को मेंटेन कर रहा है कि कहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में कैसे मैनेज कर सकती है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर है RIR और LIR। RIR का मतलब हो गया रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज। टोटल पूरी दुनिया के अंदर 5 RIR हैं। मैं आप मैप लगा देता हूँ, एक अफ्रीका को कवर करती है, एक US को कवर करती है, एक एशियन कंट्रीज को कवर करती है। इस तरीके से 5 RIRs हैं जो मिल के एक IANA बनाती हैं, या फिर INA के अंडर में आप कह सकते हो RIR हैं। तो 5 अलग अलग तरीके से यह डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हर RIR के नीचे बहुत सारे LIR हो सकते हैं। LIR का मतलब यहाँ पे हो गया लोकल इंटरनेट रजिस्ट्रीज। अब ये LIR जो हैं वो हमारे ISP भी हो सकते हैं, कि जैसे एयरटेल है, उसने किसी एक रीजनल वाले से आईपी एड्रेसेस का एक ब्लॉक ले लिया कि भाई मेरे इतने लाख कस्टमर हैं, मुझे सिर्फ इतने लाख आईपी एड्रेसेस दे दो, मैं उसी में से शफल करके बांटता रहूँगा करता रहूँगा। तो उसने एक RIR से एक सेट ऑफ आईपी एड्रेसेस ले लिए अपने कस्टमर्स को आगे देने के लिए। तो ये पूरा सीन है आईपी एड्रेसेस का। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, क्या आप ये जानना चाहते हो कि अगर मुझे आपकी आईपी एड्रेस पता चल गई तो मैं आपका क्या उखाड़ सकता हूँ, या किसी और को आपकी आईपी एड्रेसेस पब्लिक आईपी एड्रेस पता चल गई तो वो क्या क्या मिसयूज़ कर सकता है आपके आईपी एड्रेसेस का। अगर आप इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर इसके ऊपर वर्क करके आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो, तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब का बटन दबा देना अगर इस तरीके की इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ आपको चाहिए हो तो। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हो सकास्टिक सिंधी। अंटिल नेक्स्ट time, stay safe, stay sarcastic, see ya.